ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आज जो हम बात अभी करने जा रहे हैं वो है हमारे शरीर का पांचवा चक्र, द फिफ्थ चक्रास ऑफ आवर बॉडी, विच रिप्रेजेंट्स द स्पेस स्काई एलिमेंट ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का पांचवा चक्र जो हमारा आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। आकाश तत्व है क्या? आकाश तत्व यानी हमारी औरा, हमारी जो औरा होती है, जो हम चलते हैं तो जो आपकी सेवन लेयर की कॉस्मिक बॉडी रहती है, एक तो वो उसे नियंत्रण करती है, दूसरा जो ये फिजिकल बॉडी है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है जो गले के पास है, विशुद्धि चक्र, क्योंकि ये चक्र जो है ये शरीर की हमारी फिजिकल एनर्जी और कॉस्मिक एनर्जी दोनों को कंट्रोल करती है। एक बोलते ना पाइपलाइन है ये, यहाँ पे थ्रोट पाइपलाइन, तो पाइपलाइन का जो जॉइंट्स होता है कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी मेजर अगर पाइपलाइन है, फ्लो हो रही है वाटर या कोई भी चीज, अगर मैं पानी की बात करूं तो उस पाइपलाइन में जहां जोड़ होता है, लाइक वी हैव इन द टनल्स, अगर प्रॉपरली नहीं हो तो लीकेज होते हैं, पानी बाहर जाती है, फ्लो प्रॉपर नहीं होता। द सेम वे दिस इज वॉट वी हैविंग अवर थ्रोट चक्रा, यानी कि विशुद्धि चक्रा, और ये चक्रा की जो एनर्जी है हमारी कॉस्मिक बॉडी को और हमारी फिजिकल बॉडी दोनों को कंट्रोल करती है। इसका मतलब यहाँ पे बहुत एक फ्लो ऑफ एनर्जी होती है। विशुद्धि चक्र के देवता जो है वो तो देखा जाए अगर तो माता सरस्वती है। इस चक्र का अगर बैलेंस प्रॉपरली हो तो हमारी कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल होती है, हमारे जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, उसे हम शब्दों में, वर्ड्स में बहुत अच्छे से बयां कर सकते हैं। विशुद्धि चक्र रिप्रेजेंट्स अवर स्किल कम्युनिकेशन, द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर इमोशंस एंड पुटिंग इन देम प्रॉपर वर्ड्स, व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल बोथ लाइफ। विशुद्धि चक्र जो है, अगर बीमारियों की बात करें तो गले से रिलेटेड सारी बीमारियों को ये नियंत्रण करती है। द चक्र कंट्रोल्स योर थायराइड ग्लैंड। हम ऐसे करते ना जैसे कि थायराइड ग्लैंड जो होता है, हम कभी करते हैं, मतलब उसको स्टिमुलेट करते हैं, हमारी थायराइड ग्लैंड को ये कंट्रोल करती है। जिन्हें भी अगर थायराइड की समस्या है तो समझिए कि उनका विशुद्धि चक्र का इम्बैलेंस बहुत हो चुका है। बॉडी की बात करें तो वात पित्त कफ में, ये कफ से रिलेटेड है, कफ दोषा को ये पूरी तरह से नियंत्रण करती है। और यहां जैसे मैंने कहा कि कॉस्मिक एनर्जी, पूरी कॉस्मिक एनर्जी फ्लो करती है, अगर ये आपका चक्र बैलेंस नहीं है तो हमेशा नेगेटिव इमोशंस काम करने में, बोलते हैं ना कि वो डाउट आप रखोगे, अरे ये काम हो सकता है नहीं हो सकता है, और कहीं पे भी आप जा रहे हो काम होते 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 रह जाता है। क्यों? क्योंकि ऑरा आपकी बहुत वीक हो जाती है, आपकी ऑरा टोटली जीरो हो जाती है, और जिसकी वजह से बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। तो ये चक्र अगर आपका बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है, तो बिगड़े हुए काम भी आपके बन जाते हैं। जिस महफिल में आप जाओगे वहां पे बोलते हैं ना चार चांद लग जाता है, यानी कि लोग आपकी प्रेजेंस को नोटिस करते हैं,
जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्ट्रांग ऑरा, योर स्ट्रांग एनर्जी, योर पॉजिटिविटी, ये चक्र अगर प्रॉपरली हील नहीं है तो लोगों का मनोबल बहुत ही डाउन हो जाता है, सुसाइडल टेंडेंसी भी मन में आते रहती है, नेगेटिव इमोशन से बार बार घिर जाते हो, हर काम में डाउट, हर काम में नुक्स निकालना, किसी भी काम से सेटिस्फाइड नहीं, जिंदगी चल रही चलने दो, ये सब भावनाएं आती हैं। तो लेट अस कम एंड हील दिस चक्र एंड मेक योर ऑरा पावरफुल, अपने ऑरा को पावरफुल करते हैं और अपने लाइफ को बहुत ही आनंदमय बनाते हैं। सो आई एम कमिंग विथ यू ऑल ऑन द लाइव वेबिनार 23rd September to 30th September, एक लाइव जूम सेशन होगा। सो कम एंड ज्वाइन एंड हील योर दिस विशुद्धि चक्र, ए वेरी पावरफुल चक्र टू कंट्रोल योर कॉस्मिक एंड फिजिकल एनर्जी बोथ एट ए टाइम। बहुत सारे फायदे हैं, बात करते हैं 23rd September को, सारी डिस्क्रिप्शन नीचे दी हुई है। मिलते हैं तब तक लिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।